हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता होगा कि फिफ्थ सेमेस्टर का एसवीटी एग्जाम होने वाली है। कब से? 27 जनवरी से आप लोग को होने वाली है। उसके पहले द पॉलिटेक्निक क्लासेस में क्या हो रहा, एग्जाम के पहले एग्जाम एज लाइक एसवीटी पैटर्न पे, बिल्कुल एसवीटी पे पैटर्न पे एग्जाम होने वाली है कल 7 जनवरी से। और कल का पेपर जो हो रहा वो माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्ट हो रहा। जिस तरह से आपको एसवीटी में पेपर हो रहा उसी तरह से एग्जाम के पहले एग्जाम में द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पेपर हो रही है। जिस तरह से वहाँ पे 3 घंटा का समय मिलता है उसी तरह से यहाँ पे भी 3 घंटा का समय दिया गया है। जिस तरह से और में 1 क्वेश्चन आपको मिलता है उस तरह से इस एग्जाम में और में 2 प्रश्न मिलेंगे। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन, 1 प्रश्न को 3 क्वेश्चन में से 1 प्रश्न बनाने को रहेंगे। और बिल्कुल वीवीआई प्रश्न आपको एसवीटी में भिड़ने का 95% चांस, मतलब 90 से 95% तक यही क्वेश्चन आपको एसवीटी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया में होगी ऑफलाइन मोड में। तो जो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं वो फॉर्म को फिलअप कर दें। इस नंबर पे आपको संपर्क करना है 92040-47-88-3। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। जो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, गया से हैं, टिकारी से हैं, गया में आकर एग्जाम दे सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको फॉर्म को फिलअप कर दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्ट कल आते हैं, जो लोग डायरेक्ट कल के एग्जाम में आते हैं और फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो पहले आ जाएंगे, एग्जाम से पहले आ जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम के समय, रिपोर्टिंग टाइम कब से है? 9:30 बजे से है। 9:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है। एग्जाम आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम, 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको क्या क्या लाना है? एडमिट कार्ड, एग्जाम के पहले एग्जाम वाला एडमिट कार्ड लाना है और पेन। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है, एडमिट कार्ड और पेन। बाकी का व्यवस्था है जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से किया गया है आपका कॉपी का। तो एडमिट कार्ड और पेन सिर्फ लेके आएंगे। और जो लोग एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं चिपकाए हैं या फोटो जमा नहीं किए हैं वो अपना फोटो भी लेते आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो फोटो भी लाना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट है जो आपको लाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल माइक्रो प्रोसेसर 7 जनवरी का और रूटीन दिया गया है 8 जनवरी को मेजरमेंट 2 का है, और 9 जनवरी को रेडियो, 10 जनवरी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 11 जनवरी को टीवी, और 12-13 सॉल्यूशन दिन, और 16 तारीख को आपका क्या है? रिजल्ट एंड फंक्शन 16 तारीख को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और मैं जाते जाते बहुत ही कम समय में बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के पहले एग्जाम का अभी तक जो भी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, गया में आकर देना चाहते हैं, गया में अवेलेबल हो सकते हैं। सिर्फ 5 दिन का समय है दोस्तों, क्योंकि 5 दिन किसी के साथ आप रह सकते हैं। और ये एग्जाम अगर दे दिए तो एसवीटी का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आप 100% क्वेश्चन करके आओगे, वो भी बोल्ड तरीका से, क्योंकि आपका जितना भी डर भय है सब इस एग्जाम में खत्म हो जाएगा। कैसा प्रश्न आएगा, कैसे उसको लिखेंगे, सारा सॉल्यूशन, सारा डर इस एग्जाम में निकल जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए आप 100% तैयार रहिएगा और बिल्कुल निफिक्र होके जो इस एग्जाम में स्टूडेंट हमको देंगे एग्जाम, वो स्टूडेंट से पूछेगा कि क्या एसवीटी में कैसा एग्जाम देने में लगा। देखिए हम वो सब बिंदास रहेंगे, क्योंकि वो सब का जो है रिवीजन बहुत ही ज्यादा बार हो चुका है। और इस एग्जाम में देने के बाद पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ पढ़ना पलटेंगे, देखेंगे एक बार आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, एसवीटी में बेहतर रिजल्ट आपको चाहिए, तो एग्जाम के पहले एग्जाम देना नहीं भूले, ठीक है। और सभी लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्जाम के बाद इस क्वेश्चन को, एसवीटी क्वेश्चन लीक को द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से जो एग्जाम के पहले एग्जाम क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे अवेलेबल होगा 7 तारीख को शाम में। तो इस तरह से सभी लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और रेटिंग भी दे देंगे और
सभी लोग उसमें एग्जाम के पहले एग्जाम का सारा पेपर का जैसे जैसे आपका पेपर होगा उस तरह से द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे पूरा वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, आप सभी लोग बनाइएगा। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जो फॉर्म न भरे हैं फॉर्म फिलअप कीजिए, नंबर पे संपर्क करें। चलिए।